नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख नज़दीक है। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख सकते हैं। जाहिर है, राम मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर का स्वरूप या फिर डिजाइन क्या होने वाला है, कैसा दिखेगा राम मंदिर। सबसे पहले आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर 2 की बजाय अब 3 मंजिला बनेगा। राम मंदिर के नक्शे में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, बस उसे विस्तार देने का फैसला किया गया है। इस विस्तार के तहत मंदिर की ऊंचाई धरातल से 128 फुट की बजाय अब 161 फुट होगी। इसी तरह मंदिर के गुंबद की संख्या भी बढ़ाकर अब 5 कर दी गई है, और मंदिर में एंट्री गेट भी 5 ही होंगे। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। 3 मंजिला बनने वाले मंदिर में 118 खम्बे होंगे। हर टल पर 106 खम्बे बनाए जाएंगे। मंदिर में 2 चबूतरे भी होंगे। पहला चबूतरा 8 फीट ऊंचा और दूसरा चबूतरा 10 फीट चौड़ा होगा। मंदिर में सीता की रसोई के स्थान पर माँ सीता के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के भूतल पर सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार और रंग मंडप बनेगा। वहीं प्रथम तल पर राम दरबार के मूर्तियों को स्थान दिया जाएगा। यही नहीं, प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल के मुताबिक राम मंदिर में 24 दरवाजों का एक चौखट होगा, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनाया जाएगा। इन संगमरमर के पत्थरों पर राजस्थान के मकराना में काम चल रहा है। मंदिर के लिए अभी 80,000 घन फुट पत्थर तराशे जा चुके हैं, जबकि अभी इतने ही और पत्थर तराशे जाने बाकी हैं। राम मंदिर के नक्शे को नए सिरे से तैयार करने में वास्तुकार सोनपुरा जुटे हैं। उनका कहना है कि करीब 100 से 120 एकड़ जमीन पर 5 गुंबदों वाला 3 मंजिला मंदिर दुनिया में कहीं भी नहीं है, जैसा कि अयोध्या में बनने जा रहा है। मंदिर के निर्माण में करीब लगभग 3 साल लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि मंदिर परिसर के इर्द गिर्द 20 एकड़ के जमीन के विकास के लिए तकरीबन 1,000 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि मंदिर को निर्माण करने वाले सोनपुरा ने बताया है कि मंदिर के मौजूदा डिजाइन के हिसाब से करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन अब जब डिजाइन में बदलाव किया गया है तो यह खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। लागत इस बात पर अब निर्भर करेगी कि मंदिर को किस समय सीमा में पूरा करना है। उधर सोमपुरा ने यह भी साफ किया है कि राम मंदिर के गर्भगृह, आरती स्थल, सीता रसोई और रंग मंडप की डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले बनाए गए नक्शे के हिसाब से ही उसका निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि नए राम मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई गई है, लेकिन यह भारत में सबसे ऊंचे शिखर वाला राम मंदिर नहीं होगा। दक्षिण भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके शिखर की ऊंचाई 250 फीट से भी ज़्यादा है, जबकि अक्षरधाम सहित कई मंदिरों में 5 गुंबद भी हैं। द्वारिका का मंदिर तो 7 मंजिला है। उधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका राम मंदिर के इस भव्य निर्माण के बारे में क्या कहना है, और आपके अनुसार कैसा राम मंदिर होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।